तो सोनाट फैमिली के सी ऑफ सी आई होप आप सी बहुत ही मस्त होंगे एंड सो फिर से नए वीडियो के साथ आ चुके थे दोस्तों। आज की वीडियो काफ़ी मस्त होने वाली है एंड क्योंकि दोस्तों मैं आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले कुछ इस टाइप की सीवी फोटो एडिटिंग एंड सो जैसे कि आप लोग मेरे फोटो को फ़ोन के स्क्रीन पे देख सकते हैं एंड हमारा फोटो यहाँ पे कितना बॉल का सीवी फोटो एडिटिंग हुआ है। तो दोस्तों आप लोग भी अपने फोटो को एडिटिंग करते होंगे एंड थोड़ा बहुत एडिटिंग होता है एंड आप उसे कुछ इस टाइप की सीवी फोटो एडिटिंग नहीं होता होगा एंड अभी तक आप लोग यूट्यूब पर एंड कहीं पर भी बहुत सारे आप लोग वीडियो देख चुके हैं फोटो एडिटिंग का, फिर भी आप लोग से सही सी फोटो एडिटिंग नहीं होता है एंड बैकग्राउंड एडिटिंग नहीं होता है, फेस स्मूथ नहीं होता है एंड फेस वाइट नहीं होता है। तो दोस्तों आप लोग कोई सी भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि मैं आज की इस वीडियो के अंदर आप लोग कुछ इस टाइप की सी फोटो एडिटिंग करके सिखाने वाला हूँ। सेम है जिस टाइप की आप लोगों को फोटो में यहाँ पे एडिटिंग किया हूँ एंड ड्रेस कलर को एक्सचेंज किया हूँ, फेस स्मूथ एंड वाइट किया हूँ। तो दोस्तों मैं आज की इस वीडियो के अंदर कुछ इस टाइप की सी फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस टाइप की फोटो एडिटिंग एंड आप लोग भी अपने फोटो को एडिटिंग करना सीखना चाहते होंगे तो दोस्तों आप लोग क्या करना होगा एंड इस वाली वीडियो कंप्लीट वॉच करना होगा एंड अगर आप लोग इस वाली वीडियो कंप्लीट वॉच करते तो आप लोग भी इस टाइप की एडिटिंग बिल्कुल इजीली करना सीख लेंगे। तो दोस्तों हम इस टाइप की फोटो एडिटिंग करने के लिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन पर सेल जरूर करना कि मेरे के चैनल वीडियो नोटिफिकेशन आपको वीडियो ही जा सके। एंड तो सबसे पहले हम लोग जो भी फोटो को एडिटिंग करना होगा एंड उस वाली फोटो को हम लोग गैलरी के अंदर सेलेक्ट कर लेना होगा एंड उसमें मैं इस वाली फोटो को एडिटिंग करने वाला दोस्तों मैं अपना फोटो गैलरी के अंदर सेलेक्ट कर लिया हूँ एंड सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करना होगा एंड सीधे इस वाली फोटो को हम लोग को सिलेक्ट करना शेयर कर देना होगा स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर। तो दोस्तों इस वाली फोटो को शेयर कर लेंगे स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर। तो दोस्तों हम लोग को फोटो यहाँ पे स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर से हो चुका है एंड कुछ स्टेप से हम लोग को फोटो यहाँ पे स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर ओपन हो चुका है एंड आप लोग फोन की स्क्रीन पे देख सकते हो फोटो हमारा कुछ स्टेप से स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर से हो चुका है एंड ओपन हो चुका है एंड हम लोग क्या करना होगा देखिए नीचे अगर आप लोगों को कहीं पर फेस पर एंड कहीं पर ब्लैक ब्लैक होगा ना तो उसे थोड़ा व्हाइट कर लेना। व्हाइट करने के लिए क्या करना देखिए नीचे एक टूल्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, सिंपल से हम लोग को टूल्स पर क्लिक करना है एंड टूल्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों एक सिलेक्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है एंड हम लोग सिलेक्ट को सहायता से अपने जहाँ पे बॉडी एंड ब्लैक होगा एंड फेस उसे हम लोग थोड़ा व्हाइट करना है देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे साइड साइड हम लोग ब्लैक है ना एंड इसे हम लोग व्हाइट कर लेंगे एंड जहाँ पे हम लोग ब्लैक वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड दोनों हाथ को फिंगर एंड ऑंगली देन कुछ इस टाइप से जूम एंड जूम आउट करेंगे तो आप लोग यहाँ पे रेड देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रेड रेड मिलेगा एंड जैसे मैं यहाँ पे ऑंगली को टच करूँगा दोनों फिंगर को तो यहाँ पे रेड रेड मिल जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस टाइप से जहाँ पे ब्लैक रेड करेंगे एंड ब्राइटनेस को प्लस कर देंगे देन कुछ इस टाइप से सिंपल से दोस्तों प्लस करने का फिर से लोग क्या करना है फिर से लोग इस नीचे प्लस का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है एंड फिर से हम लोग प्लस भी क्लिक करेंगे हम लोग जहाँ पे भी बॉडी ब्लैक है उसे हम लोग क्या करना थोड़ा व्हाइट कर देना है देन कुछ इस टाइप से दोनों फिंगर को टच करके एंड अपने ब्राइटनेस को प्लस करेंगे एंड फिर से लोग क्या करना जहाँ पे भी ब्लैक देखने के लिए मिल जाए दोस्तों हम लोग प्लस पे क्लिक करके उसे हम लोग थोड़ा व्हाइट एंड गोरा कर देना है देन कुछ इस टाइप से जैसे कि हमारा यहाँ पे गोरा हो चुका है देखिए नीचे फिर से सही वाली चिन्ह पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सही की चिन्ह ना देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों नीचे में एंड सॉरी सही वाली चिन्ह भी क्लिक करके सर डन कर देंगे। जैसे डन करेंगे तो हमारा देखिए जो वी फोर में कुछ इस टाइप से हम लोग को यहाँ पे ब्लैक था एंड देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिएगा आप लोग एंड वी फोर एंड अपडन में हो गया थोड़ा व्हाइट एंड हम लोग को फिर से क्या करना होगा एंड इस वाली फोटो को यहाँ पे गोरा करने के बाद फिर से हम लोग शेयर करना होगा लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो दोस्तों इस वाली फोटो को हम किस टाइप से लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर करें शेयर करने के लिए ऊपर में कुछ इस टाइप से यहाँ पे टूल्स एंड लोगों का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा एंड यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कुछ इस टाइप से लोगो मिलेगा एंड सिंपल से इस पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने का दोस्तों यहाँ से हम लोग फोटो को शेयर कर देना है जैसे लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो दोस्तों हम लोग को फोटो यहाँ पर लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर सेट हो चुका हुआ है एंड हम लोग फिर से क्या करना है जैसे हम लोग को लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है एंड जैसे हम लोग यहाँ से लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन कराते हैं तो ऊपर में फर्स्ट में ऑल फोटो का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है देखिए सो ये रहा हमारा फर्स्ट में ऑल फोटो एंड हम लोग ऑल फोटो ऑप्शन भी क्लिक करेंगे। क्लिक करने का दोस्तों हम लोग जो भी फोटो को शेयर किया ना एंड उस वाली फोटो को यहाँ पे ओपन कर लेना जैसे हम इस फोटो पे क्लिक करें हमारा फोटो यहाँ पे लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर देन ओपन हो चुका है एंड आप लोग फोन के स्क्रीन पे देख सकते हो दोस्तों हमारा फोटो कुछ इस टाइप से ओपन हो चुका है एंड ओपन हम लोग कुछ इस टाइप से फोटो करने का दोस्तों लोग क्या करना होगा एक इस वाली फोटो को हम लोग एडिटिंग करेंगे प्रीसेट को सहायता से एंड दोस्तों हमारा ये रहा प्रीसेट था दोस्तों मैं इस वाली प्रीसेट को सहायता से मैं इस वाली फोटो को एडिटिंग करेंगे देन कुछ इस टाइप से। दोस्तों इस प्रीसेट को आप लोग कैसे डाउनलोड करना है इनका लेना है दोस्तों मैं इस वाली प्रीसेट को लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड आप नीचे डिस्क्रिप्शन जाके इस वाली प्रीसेट को बहुत ही इजीली बहुत आसानी से डाउनलोड कर लेंगे एंड डाउनलोड करने दोस्तों जैसे हमें फोटो को शेयर करना होता है ना गैलरी के अंदर से आप लोग प्रीसेट को आप लोग बहुत ही आसानी से प्रीसेट को आप लोग लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लेंगे। शेयर करने का दोस्तों कुछ इस टाइप से आप लोग को प्रीसेट को ओपन कर लेना होगा एंड ओपन करने दोस्तों क्या करना होगा इस प्रीसेट को हम लोग किस टाइप से यूज करके इस वाली फोटो को हम लोग एडिटिंग करेंगे। तो दोस्तों इस प्रीसेट को कैसे यूज करना देखिए कैसे एडिटिंग
करना है। एंड फिनिश को ओपन करने के बाद ऊपर में थ्री डॉट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। सिंपल से दोस्तों इस थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। डॉट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों एक नीचे कॉपी सेटिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। देन कुछ इस टाइप से देखिए जो कॉपी सेटिंग है ना, एंड हम लोग कॉपी सेटिंग पे क्लिक करेंगे एंड इस सारे अनटिक को टिक करेंगे एंड क्रॉप को छोड़कर। तो दोस्तों लोग क्या कर सारे अनटिक को टिक कर लेंगे एंड क्रॉप को नहीं करना है। एंड हम लोग ऊपर में सही किसी पे क्लिक करके इसे डन कर देना है। डन करें दोस्तों हम लोग पी सेट यहाँ पे कंप्लीट कॉपी हो चुका होगा। एंड हम लोग फिर से क्या कर जो भी फोटो को एडिटिंग करना है उस वाली फोटो को ले लेना है। जैसे कि मैं इस वाली फोटो को यहाँ पे ले लिया एंड इस वाली फोटो को हम लोग एडिटिंग करना है। तो दोस्तों फिर से इस फोटो को किस टाइप से एडिटिंग करेंगे, फिर से हम लोग डॉट पर क्लिक करना, ऊपर थ्री डॉट है ना दोस्तों, एंड हम लोग डॉट पे क्लिक करेंगे। डॉट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों एक नीचे पेज सेटिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। ये हम लोग को पेज सेटिंग सिंपल से हम लोग पेज सेटिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ कुछ सेकंड वेट करना रहेगा। हम लोग फोटो बहुत ही बॉल तरीके से एडिटिंग हो जाएगा। जैसे कि आप लोग कुछ सेकंड वेट किया हमारा फोटो कितना बॉल तरीके से अभी एडिटिंग हो चुका है एंड कितना खतरनाक। एंड हम लोग कोई भी सेटिंग को यहाँ पे यूज़ नहीं किए, बल्कि हमें एक दो क्लिक किए एंड हमारा फोटो यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे एडिटिंग हो चुका है। एंड कितना इजीली, कितना आसान तरीके से, कितने कम समय में। तो दोस्तों कुछ इस टाइप से आप लोग को फोटो को एडिटिंग कर देना है। एडिटिंग करने का दोस्तों फिर से हम लोग क्या करना है, एंड इस वाली फोटो को हम लोग को सेव कर देना है। सेव हम लोग किस टाइप से इस फोटो को करेंगे, सेव करने के लिए बहुत इजीली एंड बहुत आसान तरीका है। सेव करने के लिए सिंपल से हम लोग इस वाली लोगो पर क्लिक करेंगे एंड इस लोगो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करना, नीचे एक सेव टू डिवाइस का ऑप्शन देखने के लिए मिलता होगा। देखिए जैसे कि है ना सेव टू डिवाइस, एंड हम सेव टू डिवाइस पे क्लिक करके इस वाली फोटो को सेव कर लेंगे। एंड हमारा प्रोसेसिंग हो रहा है दोस्तों, एंड हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे फोटो क्लिक हो जाएगा एंड यहाँ पे कैंसिल की जगह हम लोग को यहाँ पे डन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए यहाँ कैंसिल है ना, हम लोग को यहाँ पे डन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों ये थोड़ा सा कुछ सेकंड यहाँ वेट करेंगे तो हमारा यहाँ पे फोटो सेव हो चुका होगा। एंड जैसे हम लोग कुछ सेकंड वेट कर देखिए हम लोग फोटो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है एंड यहाँ पे ओके का ऑप्शन आ गया। तो ओके पर हम लोग सिंपल से क्लिक कर लेंगे एंड हमारा फोटो यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे सेव सेव हो जाने से हम लोग फोटो आप लोग देख सकते हैं फिर से एंड बिफोर एंड आफ्टर भी देख सकते हैं। एंड हम लोग को फोटो सेव हो जाने से फिर से क्या करना होगा, एंड यहाँ से कट करके बैक आ जाना है। एंड जैसे हम लोग यहाँ से कट करके बैक आएंगे एंड बैक आ जाने का दोस्तों यहाँ से फोटो कटआउट कर देंगे, यहाँ से कट कर लेंगे फोटो को सेव करने के बाद। एंड हम लोग क्या करना है, जैसे हम लोग फिक्सड एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एंड सो हम लोग यहाँ से फिक्सड एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। फिक्सड एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद दोस्तों क्या करना देखिए सो, एंड जैसे हम लोग फिक्सड एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो रहा है, ओपन होने से नीचे प्लस का ऑप्शन देखने के लिए मिलता होगा कुछ इस टाइप से। यहाँ पे लोगो देखिए दोस्तों है ना प्लस, सिंपल से हम लोग प्लस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक ऊपर में फर्स्ट में एडिट ए फोटो का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। एंड हम यहाँ पे एडिट ए फोटो क्लिक करेंगे। क्लिक करने का दोस्तों यहाँ पे बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेंगे, जो हमारा फोटो का एडिटिंग करने के लिए बैकग्राउंड है ना, सिंपल से उस वाली बैकग्राउंड को हम सिलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ से ऊपर में जैसे कि हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है एंड पिक्सेल एप्लीकेशन को अंदर ओपन भी हो चुका है। जैसे हमारा बैकग्राउंड आप लोग कुछ स्टेप से यहाँ पे सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं इस वाली बैकग्राउंड का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड आप लोग इस वाली बैकग्राउंड को इजीली आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाकर बैकग्राउंड को आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। एंड मैं इस फोटो एडिट में जो पीएनजी एंड बैकग्राउंड को ऐड करूंगा ना, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नीचे आप लोग डिस्क्रिप्शन जाकर बैकग्राउंड पीएनजी को आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। एंड दोस्तों हम लोग बैकग्राउंड का यहाँ ओपन करने के बाद पिक्सेल एप्लीकेशन अंदर हम लोग क्या करना होगा, देखिए यहाँ फर्स्ट में एक टूल्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है कुछ इस टाइप से। यहाँ पे टूल्स है ना, एंड हम लोग टूल्स भी क्लिक करेंगे। टूल्स भी क्लिक करने के बाद दोस्तों एक रिसर्च का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। सिंपल से हम लोग रिसर्च पर क्लिक करके इसे रिसर्च कर देना है। हम लोग यहाँ 2200 कुछ इस टाइप से कट करके इसे 2200 यहाँ पे रिसर्च कर देना है। एंड सिंपल से हम लोग रिसर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। एंड हमारे रिसर्च यहाँ पे कंप्लीट बैकग्राउंड पे हो चुका है। एंड अगर आप लोग बैकग्राउंड या फोटो एडिटिंग करते होंगे ना, तो दोस्तों अगर आप लोग बैकग्राउंड पे रिसर्च नहीं करते हो तो दोस्तों इसलिए आप लोग सही से फोटो एडिटिंग नहीं होता है। बैकग्राउंड पे रिसर्च करिए कि आप लोग फोटो को एडिटिंग करेंगे। तो दोस्तों आप लोग समझिए किस टाइप से आप लोग रिसर्च करना है। सेम कुछ इस टाइप से रिसर्च कर लेंगे बैकग्राउंड के ऊपर। एंड रिसर्च करने का दोस्तों फिर से हम लोग क्या करना है, दोस्तों नीचे का टूल्स को कुछ इस टाइप से स्क्रॉल करना है। नीचे का टूल्स से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सॉरी दोस्तों ऐड फोटो का ऑप्शन देखने के लिए मिलता होगा। देन कुछ इस टाइप से एक लोगो है ऐड फोटो, एंड ऐड फोटो से क्लिक करके हम लोग जो फोटो को सेव किया इस फोटो को इसे क्लिक करके से हम लोग को ऐड करना है। उसमें जैसे कि मैं इस फोटो को सेव किया इस फोटो को ऐड कर लेंगे। ऐड करने में दोस्तों हमारा बैकग्राउंड में फोटो कुछ इस टाइप से ऐड हो चुका है। एंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ फोटो को। एंड हम लोग इस फोटो को क्या करना है, हम लोग को बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो रिमूव किससे करना है, रिमूव कितना इजिली कितना आसान तरीके से हम लोग को ये बैकग्राउंड रिमूव होगा। रिमूव करने के लिए देखिए कुछ इस टाइप से स्क्रॉल करेंगे ना, एंड यहाँ पे साइड में आप लोग का रिमूव बीजी का ऑप्शन देखने के लिए मिलता होगा। एंड रिमूव बीजी वाला ऑप्शन पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे ना, एंड आप लोग अपने फोन को डाटा को ऑन कर लेंगे। अगर ऑन नहीं करेंगे तो दोस्तों आप लोग का बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव नहीं होगा। एंड दोस्तों अगर आप लोग ऑन नहीं किए तो ऑन कर लेंगे। एंड ऑन करने का दोस्तों क्या करना होगा, रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। दूसरे कुछ रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे ना, एंड कुछ सेकंड यहाँ पे वेट करना होगा। एंड हम लोग फोटो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। एंड जितना डाटा आप लोग फर्स्ट टाइम करें उतना ही फास्ट आप लोग का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। एंड दोस्तों कुछ सेकंड हम लोग जैसे वेट करेंगे ना, तो हमारा फोटो आप लोग देख सकते कितना बॉल तरीके से यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव हो चुका होगा। एंड हम लोग फोटो यहाँ पे कितना गजब तरीके से कटआउट एंड आ चुका है, देखिए कितना बॉल तरीके से।
एंड हम लोग क्या करना है, जूम इन जूम आउट करेंगे तो हम लोग फोटो यहाँ पे बड़ा एंड छोटा होगा। तो दोस्तों हम लोग कुछ इस टाइप से अपने हिसाब से फोटो को अपना फोटो को सेट कर लेंगे देन इस टाइप से, जैसे कि मैं इस फोटो को देन कुछ इस टाइप से सेट करेंगे ना हमारा फोटो को, आप लोग देख सकते कितना बॉल तक इसमें ऐड हो गया। एंड कुछ इस टाइप से आप लोग अपने हिसाब से अपने फोटो को ऐड करेंगे। एंड ऐड करने दोस्तों फिर से क्या करना होता है, एक यहाँ पे एक स्टिकर का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, स्टिकर है ना, सिंपल से हम लोग स्टिकर पे क्लिक करेंगे एंड अपने फोन का डाटा को ऑन ही रखेंगे। एंड यहाँ पे सर्च का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा ऊपर में, सर्च हम लोग को सर्च वॉल्यूशन पर क्लिक करके यहाँ पे सर्च करना है लाइट, जैसे कि यहाँ पे लाइट हम लोग सर्च करेंगे तो बहुत सारी लाइट यहाँ पे देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा, जैसे कि हमारा डाटा यहाँ स्लो काम कर रहा है इसलिए हम लोग को लाइट यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। एंड अगर आप लोग को फास्ट डाटा काम करेगा तो आप लोग जैसे लाइट सर्च करेंगे तो बहुत सारा लाइट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। एंड हम लोग यहाँ से कुछ सेकंड वेट करते हैं ताकि हम लोग को सारे लाइट यहाँ पे आ जाएगा देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे दोस्तों हम लोग कुछ सेकंड वेट किए तो हमारे सारे लाइट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए। दोस्तों हम लोग क्या करना देना, कुछ इस टाइप से स्क्रॉल करना एंड व्हाइट लाइट को सिलेक्ट कर देना, देन ये हमारा यहाँ पे व्हाइट लाइट, सिंपल से व्हाइट लाइट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के दोस्तों हमारे व्हाइट लाइट आ चुके, इसे कैसे हम लोग सेट करना है देखिए सो। एंड हम लोग को इस टाइप से स्क्रॉल करना है नीचे का टूल्स, स्क्रॉल करने का दोस्तों एक ब्लेंड का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है देखिए सो, कुछ इस टाइप से लेना ब्लेंड। एंड हम लोग ब्लेंड पे क्लिक करेंगे एंड दोनों पर एक स्क्रीन का ऑप्शन देखने के लिए मिलता होगा देखिए सो, ये रहा हम लोग का स्क्रीन देखिए सो। जैसे कि हम लोग स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो हमारा देख सकते हैं लाइट कुछ इस टाइप से आ चुका है। एंड इसे हम लोग को लाइट को बड़ा करना है, बड़ा करने का देन कुछ इस टाइप से फोटो के ऊपर टच करना है एंड फेस के ऊपर। एंड क्या करना है फिर से ऊपर में हम लोग फेस के ऊपर है ना, जैसे हम लोग क्या करना है बैकग्राउंड पे ले चलना है। दोस्तों बैकग्राउंड पे ले जाने के लिए हम लोग इस वाले टूल्स के ऊपर क्लिक करना होगा एंड इस टूल्स पे क्लिक करने का फिर से हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पे तीन यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा तो आप लोग को मूव डाउन का ऑप्शन भी क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग मूव डाउन पे क्लिक करते हैं हम लोग बैकग्राउंड पे इसे ऐड हो चुके, कितना बॉल तरीके से हम लोग को बैकग्राउंड पे लाइट आ चुका है एंड आप लोग देख सकते हैं कितना बॉल तरीके से। एंड सो फिर से हम लोग यहाँ पे लाइट आ जाना, फिर से हम लोग क्या करना है देखिए सो, जैसे कि हम लोग फोटो के ऊपर क्लिक करना है एंड हम लोग फोटो को ड्रेस को कलर को यहाँ पे एक्सचेंज करना है, ड्रेस को कलर करना है। दोस्तों फोटो के ऊपर क्लिक कर देने का फिर से हम लोग कुछ इस टाइप से स्क्रॉल करना है नीचे का टूल्स एंड इफेक्ट का ऑप्शन देखने के लिए आप लोग को मिलता है। एक इफेक्ट है ना दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक इफेक्ट का ऑप्शन देखने के लिए हम लोग को मिलता है। यहाँ पे इफेक्ट वाला ऑप्शन भी हम लोग क्या करेंगे क्लिक करेंगे एंड सो जैसे क्लिक करेंगे इफेक्ट पे, क्लिक करने के बाद दिन कुछ इस टाइप से हम लोग कलर को सिलेक्ट करना होगा। ये रहा हमारा कलर, जैसे कि मैं कलर यहाँ पे सिलेक्ट किया, आप लोग स्क्रॉल करके कलर को सिलेक्ट करेंगे। कलर को सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस टाइप से स्क्रॉल करेंगे एंड इस वाली फिल्टर के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। कलर को सिलेक्ट करने इस वाली फिल्टर के ऊपर हम लोग क्लिक कर लेंगे एंड इस पर क्लिक करने का दोस्तों देखिए फोटो एंड बैकग्राउंड सेंड सारे सारे हम लोग यहाँ पे कलर हो चुका है। दोस्तों इस फोटो एडिटिंग में हम लोग को बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं रखना एंड हम लोग को ऑनली फोटो के एंड यहाँ पिक से हम लोग यहाँ पे रखना है मतलब, एंड हम लोग को बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं रखना है। एंड हम लोग क्या करना है ऑनली ड्रेस को कलर करना है, ड्रेस को कलर करने के लिए हम लोग ये वाली कलर नहीं करेंगे। एंड कलर करने के लिए हम लोग क्या करना होगा फिर से इस कलर वाली फिल्टर पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से कलर को सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों इसे हम लोग प्लस एंड माइनस करेंगे ना दोस्तों तो हम लोग यहाँ बहुत सारा कलर देखने के लिए मिलता है देखिए, जैसे हम लोग यहाँ प्लस माइनस करेंगे तो हमारा कलर यहाँ पे कितना आ रहा है। तो दोस्तों जो भी कलर यहाँ पे सही लग रहा है उस कलर को सेट करें, जैसे कि मैं इस फोटो एडिटिंग में ई वाली कलर को सिलेक्ट करने वाला था यहाँ पे ब्लू है ना, देन इस वाली कलर को इसे सेट करने के लिए हम लोग क्या करना होगा एंड अपने फेस पे से एंड यहाँ पे बॉडी पर से रिमूव करेंगे एंड ऑनली ड्रेस को कलर करेंगे। तो क्या करना होगा देखिए ऊपर में एक रबड़ की लोगो देखने के लिए मिल जाता होगा, सिंपल से हम लोग रबड़ की लोगो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने का दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखिए सो, जैसे हम लोग फेस पे से रिमूव कर देंगे एंड अपने यहाँ पे हाथ वगैरह है ना दोस्तों बॉडी पर से रिमूव करेंगे, ऑनली ड्रेस को कलर आने देंगे। ये करने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ब्रश यहाँ पे मिलेगा रबड़ के इरेजर का यहाँ पे लोगो, जैसे इस ब्रश वाली यानी इरेजर वाली लोगो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने का दोस्तों हम लोग क्या करना है एंड अपने फेस पे ड्रॉ करना है देखिए, कुछ इस टाइप से बॉडी पर से रिमूव कर लेना है एंड ऑनली ड्रेस को कलर रहने देना है देन कुछ इस टाइप से इजीली। अगर आप लोग यहाँ पे आसानी से कुछ इस टाइप से धीरे धीरे करके आप लोग अपने बॉडी पर फेस से रिमूव कलर को कर लेंगे एंड ऑनली ड्रेस कलर रहने देंगे। तो दोस्तों आप लोग समझिए किस टाइप से आप लोग ड्रेस को कलर करना है एंड मैं कुछ इस टाइप से अपने फेस पर से एंड बॉडी पर से रिमूव कर लूँगा देन कुछ इस टाइप से करेंगे धीरे धीरे, तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, वीडियो में टाइम लग जाएगा। दोस्तों मैं ऐसे थोड़ा फास्ट करके अपने बॉडी पर से फेस पर से कलर कर रिमूव कर लेंगे एंड आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो कंटिन्यू बने रहेंगे नहीं तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे कि सही से सही फोटो एडिटिंग कैसे किया था। दोस्तों आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे एंड मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट करके अपने फेस पर बॉडी पर से कलर कर रिमूव कर लेंगे। तो दोस्तों हम लोग फेस पर एंड बॉडी पर से हम लोग कलर यहाँ पे रिमूव हो चुका है एंड आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कितना आसान कितना गजब तरीके से हम लोग को ऑनली फेस पर एंड बॉडी पर से रिमूव हुआ है एंड ऑनली ड्रेस कलर हो चुका है। हम लोग को बैकग्राउंड से कोई लेना देना है क्योंकि दोस्तों हम लोग बैकग्राउंड को रिमूव पहले ही कर चुके हैं एंड बैकग्राउंड से कोई लेना, बैकग्राउंड जैसे भी उसे छोड़ देना एंड ऑनली हम लोग को फेस पर से एंड बॉडी पर से हम लोग कलर को रिमूव कर देना है एंड ऑनली ड्रेस कलर रहने देना देन कुछ इस टाइप से। तो दोस्तों आप लोग सेम कुछ इस टाइप से अपने कर लेंगे ड्रेस को कलर एंड करने का फिर से क्या करना है एंड ऊपर में सही लेजन भी क्लिक करके से डन कर देना एंड डन करने दोस्तों हमारा यहाँ से कलर फिर से आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग जो भी कलर से लें आप लोग यहाँ से फिर से सेट कर लेंगे एंड फिर से हम लोग ऊपर में सेलेक्शन भी क्लिक करके से डन कर देंगे।
एंड हमारा कलर आप लोग देख सकते कितना इजीली कितना आसान तरीके से हम लोग ड्रेस कलर यहाँ पे हो चुका है। एंड फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग स्टिकर पे क्लिक करेंगे। स्टिकर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आप लोगों को जो भी स्टिकर को यहाँ पे ऐड करना हो सिंपल से आप लोग उस स्टिकर को आसानी से ऐड कर लेंगे। एंड बहुत ही इजीली एंड बहुत आसान तरीके से आप लोग यहाँ पे सर्च करके स्टिकर को ऐड कर लेंगे। एंड मैं यहाँ से स्टिकर कोई भी ऐड नहीं करूँगा, आप लोग बता देते दोस्तों आप स्टिकर को ऐड करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ सर्च करके ऐड कर लेंगे। एंड यहाँ से कट करके मैं बैक आऊँगा एंड बैक आने से पीएनजी को हम यहाँ पे ऐड करूँगा। दोस्तों पीएनजी को ऐड करने के लिए सिंपल से हम यहाँ पे ऐड फोटो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड ऐड फोटो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो पीएनजी उसे ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों हमको पीएनजी पे ऐड हो चुका है एंड मैं इस वाली पीएनजी को मैं ऊपर में ऐड करूंगा। फिर से हम लोग ब्लैक स्क्रीन को हटाने के लिए क्या करना होगा, देखिए सो देन स्टेप से स्क्रॉल करना होगा एंड फिर से ब्लेंड पे क्लिक करके इसे सेम स्क्रीन कर देंगे देन कुछ इसी टाइप से। एंड इसे ऊपर में हम लोग कुछ इस टाइप से सेट कर लेंगे एंड हमारा फोटो लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप से यहाँ पे एडिटिंग हो चुका है। इसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे एंड इस टाइप से हम लोग इसे सेट कर लेंगे देखिए कुछ इस टाइप से, देखिए दोस्तों कितना गलत तरीके से हम लोग सेट हो चुका है ना। एंड फिर से हम लोग क्या करें, पीएनजी को एंड हम लोग फोटो को इसे ऐड कर सेव कर देना है, डन करना है। डन करने के लिए क्या करना, ऊपर में एक सही किचन देखने के लिए मिलता है, सेव किचन भी क्लिक करके से सेव एंड डन कर देंगे। एंड हमारा फोटो कितना गजब तरीके से सेव एंड डन हो चुका है एंड आप लोग देख सकते हैं देखिए फोटो को बिफोर एंड आफ्टर में कितना गजब तरीके कितना आसान तरीके से हम लोग फोटो यहाँ पिक्सल एप्लीकेशन से एडिटिंग हो चुका है। एंड हम लोग क्या करना है, फेस को स्मूथ करना है। तो दोस्तों फेस को स्मूथ करने के लिए सिंपल से हम लोग क्या करना होगा, एंड इस वाली फोटो को हम लोग शेयर करना होगा ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर। तो दोस्तों ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर फोटो को शेयर करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, देखिए एंड ऊपर में एक तीर का लोगो देखने के लिए मिल जाता है एक कुछ इस टाइप से तीर का लोगो है ना, तीर वाले लोगों पर क्लिक करें तो हम लोग फोटो यहाँ पर सेव भी हो चुका होगा एंड यहाँ से लोग फोटो को शेयर भी कर देंगे ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर। शेयर करने के लिए हम लोग क्या करना है, थ्री डॉट मोर पर क्लिक करना होगा, डॉट पर क्लिक करना है तो फोटो को शेयर कर देना होगा ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर। तो दोस्तों लोगों को फोटो यहाँ पे ऑर्डर था स्केच बुक के अंदर सर हो चुका है एंड कुछ इस टाइप से लोगों को फोटो यहाँ पे ऑर्डर था स्केच बुक के अंदर ओपन हो चुका है एंड आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारा फोटो कुछ इस टाइप से स्केच बुक के अंदर ओपन हो चुका है। एंड हम लोग क्या करना है, फेस को स्मूथ करना है। तो दोस्तों स्मूथ करने के लिए हम लोग सिंपल से क्या करना होगा, एंड कुछ अगर आप लोग ऑर्डर से स्केच बुक एक्सचेंज हो गया तो दोस्तों कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने के लिए ऊपर में मिलता होगा। तो दोस्तों हम लोग क्या करना, सीधे इस वाली ब्रश या पेंसिल के एक लोगो मिलेगा, सिंपल से लोग पेंसिल वाले लोगों पर क्लिक करेंगे, लोगों पर क्लिक करने का दोस्तों लोग क्या करेंगे कुछ इस टाइप से स्क्रॉल करके नीचे साइड में आना है। फर्स्ट में ऊपर चले जाता हूँ, देखिए ऊपर आने का कुछ इस टाइप से स्क्रॉल करेंगे एंड स्क्रॉल करने का दिन कुछ इस टाइप से हम लोग नीचे साइड में स्क्रॉल करके आएंगे। तो दोस्तों इस वाली ब्रश को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे स्मूथ आप लोग को देखने के लिए मिलेगा एंड हम लोग इस वाली ब्रश को क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे एंड इस ब्रश को हम लोग सेटिंग को देख लेंगे। दोस्तों सेटिंग को देखने के लिए हम लोग ऊपर में इस वाले टूल्स पे क्लिक करना होगा एंड इस टाइप से लोगो मिलेगा, इस पर क्लिक करने का दोस्तों सेटिंग कुछ इस टाइप से फिक्स कर लेना है, ओनली दो सेटिंग कुछ इस टाइप से फिक्स करना है, साइज को यहाँ से फिक्स नहीं करेंगे। मैं वीडियो में आगे बताऊँ दोस्तों मैं अपना साइज को कहाँ से फिक्स करूँगा, ओनली दो सेटिंग कुछ इस टाइप से फिक्स करना है एंड नीचे कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सिंपल से कट करके यहाँ से हम लोग को बैक आ जाना है। बैक आने दोस्तों लोग क्या करना है, अपने फेस को जूम करना है, जूम कर लेने का दोस्तों लोग क्या फेस को स्मूथ करने के लिए सही से हम लोग को साइज को फिक्स करना होगा, अगर सही से साइज को फिक्स नहीं करेंगे तो हम लोग फोटो सही से एडिटिंग नहीं होगा। साइज को फिक्स करने के लिए क्या करना होगा, देखो यहाँ पे स्केच बुक के अंदर एक गोला सा आइकन मिलता होगा, सिंपल से हम लोग इस गोला सा आइकन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों हम लोग राइट में स्क्रॉल करेंगे तो दोस्तों हमारा साइज यहाँ पे साइज बड़ा होगा एंड लेफ्ट में स्क्रॉल करेंगे तो दोस्तों हम लोग साइज यहाँ पे छोटा होगा। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे राइट में स्क्रॉल करने वाला साइज यहाँ पे बड़ा हो रहा है ना एंड लेफ्ट में स्क्रॉल करने वाला साइज यहाँ पे छोटा हो रहा है एंड कुछ इस टाइप से आप लोग यहाँ पे राइट स्क्रॉल एंड यहाँ से साइज को देख लेना कि आप लोग फेस को स्मूथ करने के लिए साइज कितना बड़ा एंड कितना छोटा करना है रखना है। कुछ इस टाइप से हम लोग साइज को फिक्स करेंगे, नीचे कट वाले ऑप्शन भी क्लिक करके कट करके से बैक आएंगे एंड अपने फेस को जूम करके इस पर ड्रॉ करेंगे। देखिए सो इस पर ड्रॉ करेंगे एंड हम लोग यहाँ पे स्मूथ करेंगे, कितना बॉल तरीके से हम लोग यहाँ पे स्किन इस ब्रश से स्मूथ हो रहा है, देखिए सो एंड कितना गजब तरीके से कितना अच्छे तरीके से यहाँ से स्मूथ हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग सेम क्या करें, कुछ इस टाइप से धीरे धीरे करके अपने फेस को स्मूथ करना है एंड अगर आप लोग धीरे धीरे स्मूथ करते तो दोस्तों आप लोगों का फेस यहाँ बहुत ही बॉल तरीके से स्मूथ होगा। जैसे कि देखिए सो ऊपर में हमारा फेस कितना बॉल तरीके से कितना फिक्स स्मूथ हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग क्या करें, फिर से हम कुछ इस टाइप से साइज को अपने छोटा कर लेंगे एंड यहाँ से स्मूथ करेंगे। तो दोस्तों आप लोग साइज को यहाँ बराबर देखते रहना है कितना बड़ा एंड कितना छोटा है एंड आप लोग अपने फेस को साइज को फिक्स करके स्मूथ करेंगे तो दोस्तों आप लोगों को फेस यहाँ बहुत ही बॉल तरीके से स्मूथ होगा। तो दोस्तों आप लोग समझे किस टाइप से आप लोगों को फेस को स्मूथ करना है एंड कैसे साइज को भी फिक्स करके यहाँ पे फेस को स्मूथ करना है। दोस्तों आप लोग साइज को बराबर फिक्स करके स्मूथ करेंगे ना तो आप लोगों को फेस बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथ होगा एंड आप लोग कहीं पर भी यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप लोग को अच्छे तरीके से फेस यहाँ पे स्मूथ हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग क्या करना है, कुछ इस टाइप से आप लोग जैसे कि यहाँ पे साइज को फिर से हम लोग बड़ा करेंगे एंड यहाँ से स्मूथ करेंगे। तो दोस्तों आप लोग सेम इस टाइप से आप लोग फेस को स्मूथ करना है, जैसे कि आप लोग समझिए दोस्तों हम लोग फेस को स्मूथ कैसे करना है एंड फोटो कैसे एडिटिंग करना है एंड सारे आप लोग सेटिंग को फॉलो करके एंड यहाँ पे फेस को अच्छे से स्मूथ कर लेना है। तो दोस्तों अगर ये फोटो एडिटिंग का वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जरूर करना कि मेरा कैसे नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी जा सके एंड आप लोग कुछ इस टाइप से अपने फेस को स्मूथ कर लेंगे।